कोल्ड स्टोर में नोजरमा दवा डालते समय लगी आग। सासनी कोतवाली क्षेत्र में ओमसाई कोल्ड स्टोर में नोजरमा दवा डालते समय मशीन से हुई स्पार्किंग से कोल्ड स्टोर में आग लग गई। थर्माकोल ने आग पकड़ ली। कुछ ही पलों में आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग की सूचना मिलते ही दमकल की आधा दर्जन से अधिक गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं। कोल्ड स्टोर में डाली दवा और थर्माकोल से निकलने वाली गैस ने अंदर जाने में दमकल कर्मियों के सामने बड़ी समस्या खड़ी की। दमकल कर्मियों ने ऑक्सीजन गैस मास्क लगाकर अंदर जाकर आग पर काबू पाया। दवा की कोटिंग हो रही थी मशीन के द्वारा, इससे कोई चिंगारी उसमें थर्माकोल में चली गई और आग की लपट पड़ गई। लगभग कितना नुकसान माना जाए? अब तो नुकसान तो बाद में आकलन होगा, अभी तो अंदर घुस ही नहीं पा रहे हैं। कोई जनहानि तो नहीं हुई है? अभी जनहानि कोई नहीं हुई है। स्थायी कोल्ड स्टोरेज है कासनी में विजयगढ़ रोड पे। जो है सूचना मिली, जनपद की सारी गाड़ियों को मैंने जो है मौके पर, और मैं स्वयं मौके पर है, मेरे जवान लगे हुए हैं। आग का कारण नहीं पता चल पा रहा है, ये तो बाद में जांच की, आग कंट्रोल करने का प्रयास किया जा रहा है। कंट्रोल हो गई आग? आग पे कंट्रोल जी कर लिया गया है? कंट्रोल नहीं, प्रयास किया जा रहा है। आग कोल्ड स्टोर स्वामी प्रेमपाल सिंह का कहना है कि कोल्ड में दवा डालते समय मशीन में हुई स्पार्किंग से थर्माकोल में आग लग गई। आग से कोल्ड में हुए नुकसान पर प्रेमपाल सिंह ने बताया कि आग पर काबू होने के बाद ही इसका आकलन किया जा सकेगा। वहीं मौके पर आग पर काबू पाने में जुटे सीओ अनिल कुमार ने बताया कि सूचना मिलते ही उनकी टीम मौके पर पहुंच गई थी और आग पर काबू पाने में जुट गई। वक्त रहते आग पर काबू पा लिया गया। थोड़ी भूल से अमोनिया गैस से बड़ी जनहानि हो सकती थी।